अपने आप को म्यूट रखो प्लीज। ये तो 12th स्टैंडर्ड है। एक मिनट। ओके। पूरा ऊपर नीचे दिया है। एक मिनट रुक जाओ। ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आपको फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, राइट। तो बोर फ्रीक्वेंसी रूल ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है, इन्होंने लिखा है, बट ठीक है, आप निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जब जंप करेगा तो या तो वो लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है ना। जब वो लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन से फॉर्म में करेगा, वो फोटोन के फॉर्म, है ना, या लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और अगर वो हायर ऑर्बिटर या हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा फिर भी लाइट के फॉर्म में रिलीज करने वाला है या फोटोन के फॉर्म में ही रिलीज करने वाला है। इसलिए यहाँ पर एनर्जी जो आती है वो फोटोन की एनर्जी आती है और फोटोन की एनर्जी एच नहीं होती। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये सिखाया था, है ना। वहां से ही ये फॉर्मूला बन के आया, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, ई टू अपॉन ई वन। क्या है वो आपको दिया रहेगा कि हाँ जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझो अगर ऐसा रहे, एकदम परफेक्ट नहीं दिया, बहुत बेकार दिया है ये वाला हिस्सा, इन्होंने एकदम खराब किया है इसमें से। तो मैं आपको ना एक्चुअली कहीं और से पढ़ाने वाला था, अभी नहीं बात में। ओके, समझो ऐसा है तो समझो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इसकी एनर्जी दी रहेगी, है ना। उसको आप ई टू, उसको आप क्या लेने वाले, ई वन, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसकी भी आपको एनर्जी दी रहेगी। इसको क्या कंसिडर करोगे आप, ई टू, है ना, जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या, ई वन, जहाँ जा रहा है दैट इज ए टू। दोनों की एनर्जी दी रहेगी, दोनों को माइनस करो और उसको किससे डिवाइड कर दो आप, एच से। एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्वेंसी, है ना। आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्वेंसी, वही लिखा है, वेयर ई वन एंड ई जी, क्या लिखा था, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड, है ना, या तो एब्जॉर्ब होगा या एमिटेड होगा, मैंने वही सिखाया आपको अभी। When transition occurs, transition मतलब वही एक शेल से दूसरी शेल में जाएगा तभी। प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, हाँ एक मिनट। हाँ ओके, तो वही लिखा है, When transition occurs between the two stationary states that differ in the energy by delta E is given by the following expression, है ना।
where even and E2 are the energies of the lower and the higher allowed energy states respectively. This expression is commonly known as Bohr's frequency rule. ऐसा कभी पहले नहीं सुना, मतलब अगर होगा भी ना तो बुक्स में तो कभी नहीं सुना मैंने, पर ठीक है, इसको बोलते हैं बोर फ्रीक्वेंसी रूल, याद रखो और क्या। उसके बाद आपको मैंने बताया ही था द एंगुलर मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, है ना। अगर आपको कभी भी किसी का भी एंगुलर मोमेंटम निकालना है, अगर आपको वो लोग बोल रहे कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड शेल और थर्ड ऑर्बिट, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, nh अपॉन 2 पाई, n की जगह पे क्या लगा दोगे 3, h की वैल्यू पता ही है, पाई की वैल्यू पता ही है ना, ये मैंने आपको सिखाया। हालांकि ये तो एक बोर का लॉ है और इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, इन्होंने बोला एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला वैल्यू क्या है mvr, mvr तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, सो किससे डिनोट करते हैं l से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है nh अपॉन 2 पाई, ऐसा बोर ने बोला था। इसे देखो यहां पे लिखा भी है, thus an electron can move only in those orbital for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। ऐसा बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझो मैंने अगर आपको एक वैल्यू दी, क्या इसमें ये वैल्यू दी, समझो अगर ये वैल्यू है, मतलब अगर इसको मैं ऐसा पूरा लिखूं तो 3h अपॉन 4 पाई, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नहीं घूमेगा। क्यों घूमेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसको देखो ध्यान से, इसको स्प्लिट करके देखो तो ये कैसा आएगा, इसको स्प्लिट किया तो ऐसा दिखेगा जो अभी मैंने ऊपर लिखा, क्योंकि आपको पहले तो ऐसा बनाना पड़ेगा एच अपॉन 2 पाई, है ना, एच अपॉन 2 पाई बन गया, उसके साइड में ये जो भी होगा ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, एन को, और एन की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, चलेगा ही नहीं, हमें इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसा चाहिए, ये तो 3/2 है, फ्रैक्शनल है, नहीं चलेगा। मतलब अगर एग्जाम में आपको बोला है कि एक वैल्यू दे दी, समझो कि ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, कोई तो ऑर्बिट है उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है 3h अपॉन 4 पाई, तो आप पहले तो उसको ऐसा मॉडिफाई करो कि उसमें h अपॉन 2 पाई दिखे। जैसे मैंने इसको मॉडिफाई किया तो 3h को तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, नीचे वाले को क्या लिखा 2 × 2, क्यों, क्योंकि मुझे पहले इसको इस फॉर्मेट में तो बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने पहले इसको एच अपॉन 2 पाई बनाया। उसके बाजू में जो भी नंबर होगा उसको चेक करो, अगर वो इंटीजर हुआ, अगर वो इंटीजर हुआ, ठीक है, वो भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्रैक्शनल हुआ तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करने वाला है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये बोर्ड ने बोला था, लिखा भी है, thus only certain fixed orbitals are allowed here, मतलब बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं बट ओनली फिक्स्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड। अब यही तो इनका ड्रॉबैक भी बना था बोर का, पूछा गया था उनको, मैंने आपको बोला ना कि कहाँ से लाया बोर ने ये नंबर nh upon 2 pi, कैसे ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, उनको एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ऐसा देखा होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। उनको पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों बोला h upon 2 pi, 3 pi क्यों नहीं, 4 pi क्यों नहीं, 5 pi क्यों नहीं, ये सिर्फ पाई क्यों नहीं, उनका आंसर उनके पास नहीं था, ठीक है, तो ये उनका ड्रॉबैक भी है। ओके, उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ बोस थियरी, बोस थियरी इज यूज्ड टू डिराइव द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल, हमने अब तक एनर्जी डिराइव नहीं की वैसे, दैट इज द स्टेशनरी स्टेट्स इन द हाइड्रोजन एटम, द रिजल्ट्स ऑफ द बोस थियरी फॉर हाइड्रोजन एटम आर समराइज। एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, याद रखना कि बोर ने कौन से एलिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया था, हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, रेडियस का फॉर्मूला या जो भी बता रहा हूँ, वो सब वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। इसका क्या मतलब होता है समझो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट है, समझो मैंने आपको दे दिया लिथियम, उसके लिए वैलिड नहीं होगा, उसके लिए वैलिड नहीं होगा, बट अगर मैं बोलूँ लिथियम प्लस टू, इसके लिए वैलिड है, क्यों, क्योंकि लिथियम प्लस टू, आपको पता है लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, और ऊपर क्या लिखा है मैंने प्लस टू, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज द फॉर्मूला विच द फॉर्मूला जो भी हमने डिराइव किया, इट इज वैलिड फॉर दिस एल आई प्लस टू, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर एल आई। हम आई होप इट इज क्लियर, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन लाइक मीन्स जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझो लोग ने बोला बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए वैलिड है क्या, नहीं, बट बेरिलियम प्लस थ्री बोला तो वैलिड है, बेरिलियम प्लस थ्री बोला तो वैलिड है, क्यों, हर वो स्पीशीज, हर वो
एलिमेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये सारी चीजें वैलिड है। क्योंकि आपको पता है ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हमने जब पढ़ा था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ा था, हमने ये न्यूक्लियस रखा था यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और इससे ही हमने सब कुछ डेराइव किया। क्योंकि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो बहुत सारे फोर्सेस होंगे, ये फोर्स होगा, ये फोर्स अलग होगा, इनका आपस में अलग रिपल्शन होगा, तो वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन हो सकता है और आपके लेवल पर वो पॉसिबल भी नहीं है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। चाहे वो हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड की हो, चाहे हमने वो वेलोसिटी के लिए फाइंड किया हो। अब ठीक है, आपको मैं एनर्जी के बारे में भी बताऊंगा, बट मेरे हिसाब से इससे रट्टा मारने से अच्छा है कि मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसमें कुछ दिया नहीं इन्होंने, सीधा एनर्जी डिराइव करके लिख के दे दिया है, बट बेटर है कि हम एनर्जी डिराइव करें, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, बट अभी नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये निकेश मिश्रा, क्या डाउट है आपको? कोई आपका रेज हैंड दिखा रहा है, निकेश कोई डाउट है आपको? नो सर, आपका रेज हैंड दिखा रहा है इसलिए, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि बोस की थियोरी ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट करने का मतलब समझो, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ उस पर, समझ में आ रहा है? बोस थियोरी इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसी को हम अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, बोस थियोरी इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज। आई होप इट इज क्लियर, और हो सके तो लिख लेना कहीं पे, ठीक है, ओके। तो देखो उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड एज, ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। आपके लिए न्यू है, याद रखना ये जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आगे उन सारे नंबर्स को हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। जैसे इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, KLMN, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। रेडियस हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, दैट इज RN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट, वही हमने डिराइव किया था, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, हमने इनफैक्ट ऐसे डिराइव किया था, इन्होंने बराबर से नहीं दिया है। RN इज इक्वल्स टू n मींस nth ऑर्बिट, कोई भी n किसी भी ऑर्बिट का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता था, n स्क्वायर अपॉन z भी आया था। इन्होंने z क्यों नहीं लिखा पता है, क्योंकि ये लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन का z कितना होता है, 1, हाइड्रोजन का z कितना होता है, 1, इसीलिए इन्होंने लिखा नहीं है। बट प्लीज नोट, यही बोल रहा हूँ, यही बुक की प्रॉब्लम है, इन्होंने बराबर से सब कुछ नहीं दिया, ठीक है। और बाजू में क्या लिखा है, ए नॉट, और वही ए नॉट की वैल्यू कितनी है, इन्होंने नीचे दी है 52.9 पिकोमीटर, वो हम कर चुके हैं, है ना, 52.9, यही हमने रेडियस डिराइव किया था। प्लीज आप हो सके तो बुक में करेक्ट कर लेना, नीचे जेड लिख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है वो लोग सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पूछेंगे। वो एग्जाम में लिथियम दे दिया तो, अगर समझो ऐसा दिया तो इसके लिए भी वैलिड है ये, क्यों, भले ही ये लिथियम है बट है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Li+2 सॉरी, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, तो जेड प्लीज नोट कर लेना नीचे, ठीक है। दस द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की बात पूछो, फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियसली हम एन क्या पुट करेंगे, 1, तो वैल्यू कितनी आएगी, 52.9 पिकोमीटर, इसको बोलते हैं बोज रेडियस, कॉल्ड बोज रेडियस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी, इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इन्होंने जैसे दिया है E1 is equal to minus RH1/n² कुछ भी दिया है ये, ठीक है, बराबर से नहीं दिया है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको रफली बता देता हूँ कि यहाँ पे RH क्या है, RH इज रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, याद रखो, जैसे आपने इतने सारे कॉन्स्टेंट पढ़े वैसे ये भी एक कॉन्स्टेंट है, रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल, ठीक है, 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एनर्जी की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, रुको,
अभी के लिए एनर्जी की वैल्यू ये होती है E is equals to 2.18 into 10 raised to minus 18 into n square upon z square into n square upon sorry z square upon n square into z square upon n square joule. ये एनर्जी की वैल्यू होती है, वही है ना, घुमा फिरा के वैल्यू तो वही, आगे माइनस आएगा, ठीक है तो यही जो इन्होंने बोला है, बट वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है. एनर्जी की ये वैल्यू होती है, क्या है, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, ठीक है. अब जेड क्या है यहाँ पर, जो भी एलिमेंट लोगे उसका एटोमिक नंबर. वापस इन्होंने देखो जेड नहीं लिखा यहाँ पर, इन्होंने वन लिखा है, क्यों, कि ये लोग हाइड्रोजन की बात कर, ठीक है. तो आप चाहिए तो मैं ना तीनों वैल्यू एक साथ लिख रहा हूँ, हो सके तो आप कहीं लिख लो तीनों वैल्यू, मतलब रेडियस, वेलोसिटी और इसकी. तो देखो क्या वैल्यूज है, रेडियस की क्या वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है. वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2.18 इंटू 10 रेज टू 8 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है. एनर्जी की वैल्यू कितनी है, माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट माइनस, क्या इंडिकेट करता है ये माइनस, माइनस ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू न्यूक्लियस. अगर आप फाइंड कर रहे हो एनर्जी की वैल्यू और अगर आपकी वैल्यू किसी तरह से पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर निकल चुका है. तो जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, प्लीज नोट करना, जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड है उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, ठीक है. नेगेटिव यही इंडिकेट करता है, नेगेटिव का मतलब यही है यहाँ पर कि द इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी फाइंड कर रहे हो, दैट इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड, दैट इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू न्यूक्लियस. 0.18 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल. आप देख सकते हो मैंने तीनों साथ में लिखा है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों, आप अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्लीज अपनी बुक्स में नोट कर लेना. और एक और चीज बता दो, एनर्जी की एक ही वैल्यू नहीं है, एनर्जी की दुनिया भर की वैल्यूज है, मतलब एनर्जी अलग अलग फॉर्मेट में लिखा रहता है. मैं आपको अगले लेक्चर में डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है, कि एनर्जीज की और क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, कैसे आ सकती है, बट ये तीन तो एटलीस्ट मस्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. विथ यूनिट याद रखना, जूल, मीटर पर सेकेंड, एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ू मैं. ओके, इतना प्लीज आपको आना चाहिए, अगर मैं कभी भी कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे जाके और मैं पूछूंगा तो आना चाहिए, हाँ इतना, क्योंकि मैंने इतना आप लोग को बताया. ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो वही यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो आप चाहिए तो वही RH की वैल्यू उन्होंने लिखी है 2.18 into 10 raise to minus 18, और वो क्या किसके बराबर है, रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है, रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट है. ओके, उसके बाद क्या लिखा है, द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड, द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, है ना. याद रखना, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नॉर्मली हमें पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, देखो हाइड्रोजन ये तो हो गया न्यूक्लियस, हाइड्रोजन हम बचपन से सीख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, बट ऐसा है नहीं, हाइड्रोजन के आजू बाजू इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है. बट हमें सिखाया जाता है बचपन से कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, फर्स्ट ऑर्बिट, बराबर है, ये सबको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में. तो अब जब इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट ऑर्बिट में है, तब उसकी जो एनर्जी है, या फिर अभी जो हाइड्रोजन है फिलहाल जिस स्टेट में, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है नॉर्मल स्टेट, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके नेचुरल स्टेट में, जो उसकी लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट उसका ऑर्बिट है उसी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. बट अगर आप इसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में भेज देते हो, तो अब इलेक्ट्रॉन निकल के किधर चला गया, थर्ड ऑर्बिट में. अब इसको ग्राउंड स्टेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. कौन सा एक्साइटेड स्टेट, वो भी तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. हमने कहाँ भेजा उसको, थर्ड पे, इसका मतलब ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अब जैसे जैसे आगे भेजते जाओगे वैसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसा होता है.
अगर नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक जैसा वो नेचर में एग्जिस्ट करता है वैसा अगर है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर वो जैसे जैसे आगे जाएगा उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में उसकी जो भी एनर्जी है दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, है ना, वो याद रखना है। तो वही आप देख सकते हो, द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। लोवेस्ट ही होगा क्योंकि वो सबसे नीचे, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में वो ऊपर की तरफ जा रहा है और हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, इसलिए सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट, है ना। और वो एनर्जी कितनी हो जाएगी आप ही कैलकुलेट कर लो, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, कितना है -2.18, है ना। एन की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1। जेड की वैल्यू क्या लिखोगे, 1, हाइड्रोजन है तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है राइट, जेड 1 आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। एन क्या आएगा, 1, क्योंकि उसका ग्राउंड स्टेट 1 है। तो कितनी आ गई इसकी एनर्जी, -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल। समझ में आया, वैसे ही आप देखो उन्होंने क्या लिया, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू द एन इज इक्वल्स टू 2, तो आप उधर 2 पुट करोगे तो उससे एक एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। उसके बाद देखो इन्होंने एक क्वेश्चन इन्होंने दिया भी है कि व्हाट डज द नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कन्वे, अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड डज नॉट एक्सपीरियंस। वही मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड नहीं है, यानी बाहर है इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है ही, वो बाहर है, ठीक है, तो अगर उसकी एनर्जी कभी भी पॉजिटिव आई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड है ही नहीं, वो तो कहीं बाहर है। तो वही तो लिखा है, अ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मीन्स न्यूक्लियस से बॉन्डेड नहीं है, सॉरी एटम से बॉन्डेड नहीं है या फिर न्यूक्लियस से बॉन्डेड नहीं है, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर इट इज असाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ जीरो। इसको एनर्जी क्या असाइन करते हैं हम, जीरो। इनफैक्ट पॉजिटिव वैल्यू होती भी नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो, ठीक है। पॉजिटिव में वैल्यू आती भी नहीं है, नेगेटिव में ही आएगी। फिर क्या लिखा है, द नेगेटिव साइन मींस दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। मैथमेटिकली दिस करस्पॉन्ड्स टू द सेटिंग एन इक्वल टू इन्फिनिटी इन द इक्वेशन। तो ये सब क्या लिखा पहले देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इन्फिनिटी एज इलेक्ट्रॉन गेट क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस एंड बिकम लार्ज इन द फ्लड वैल्यू एंड मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है। आपको कुछ इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब कभी भी लास्ट का स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना आप पढ़ सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ लेना, वरना आप सबको फालतू में इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। लास्ट का लाइन याद रखो बस, क्या है, द नेगेटिव साइन करस्पॉन्ड्स टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। मैंने भी आपको वही बताया, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा आपने, मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू, ये क्या पूछ रहे हो, मेरे को आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सौरभ, बाद में करते हैं इसको, फिलहाल अभी रुको। तो हमने बोस की मदद से रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, एनर्जी निकाल दिया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया। क्यों नेगेटिव होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, डू यू नो मी, लिखा है द बोस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विच कंटेन ओनली वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेरी हाई यील्ड, ध्यान रखना इसको, भूलना बिल्कुल मत। अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपको ये आता है इसका मतलब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, अभी नहीं आगे, अभी तो पढ़ाया तो अभी तो आएगा ही। अब क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ दिस आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सिंपल, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कौन से है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, पहले तो वो लोग पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दूसरा आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज है, तो मुझे आप बताओगे। पहला वाला क्या लगता है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन है पहले वो बताओ उसके अंदर, मैसेज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लीज नीचे देख के मत भूलना, आता है तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर,
सिंपल तो है, सिखाया तो था मैंने आपको, ऊपर वाला नंबर क्या इंडिकेट करता है, नीचे वाला नंबर क्या इंडिकेट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक आंसर आया अब तक? बाप रे, किसी को आंसर नहीं आता है? दो आंसर आए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना इसका आंसर, वन है ना, वन तो वन है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन लाइक ही है ये, तो हाइड्रोजन लाइक ही है। उसके बाद दूसरा वाला देखो, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, दूसरे में कितने हैं? सही बोला, एक आंसर आया। इसके पहले कोई लेक्चर हुआ है क्या आप लोग का? कोई इशू है तो बताओ मुझे, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? अरे क्या हो गया? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो Yes, फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर, हीलियम के नीचे कितना दिख रहा है आपको? टू, उसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। क्या ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है? क्या ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, यस और नो? सिंपल नो ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है हाइड्रोजन लाइक? उसके बाद वाले का आंसर बताओ, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तीसरे का आंसर बताओ, सौरभ वापस चेक कर लो, मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ, तीसरे की, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? परफेक्ट है ना, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला? हीलियम, हीलियम में दो होते हैं नॉर्मली, बट हीलियम प्लस लिखा है, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है क्या वो? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है क्या? है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। बस सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे थे आप लोग? कुछ ज्यादा फास्ट बोला ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी बहुत ज्यादा फास्ट बोल देता हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पहले के, उनको तो जमता है, क्योंकि उनको बेचारों को आदत पड़ गई है, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। आप लोगों को कोई भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। अब तक जो भी समझाया है, कोई डाउट है आप लोगों को, किसी को भी? नो कोई मैसेज तो नो किसी का सर, आया नहीं है ऐसा कि डाउट है? और प्लीज नो पढ़ते सर, जाओ। ओके ओके ओके, देखो है जो है वो मैंने आपको बता दिया। मैं एक्चुअली जब भी कभी कभी पढ़ाने जाता हूँ ना, तो बहुत फास्ट बोल देता हूँ ऐसा, तो अगर आपको कभी भी कोई इश्यूज आए तो मुझे बता दिया करो, हाँ कि बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है, मुझे थोड़ा सा स्लो चाहिए, मैं कर दूंगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ उन्होंने क्या दिया स्टेटमेंट, बोस थियरी कैन बी अप्लाई टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, घुमा फिरा के बार बार एक ही चीज दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एंड सो ऑन। एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स एसोसिएटेड विद दीज स्पीशीज आर गिवन बाय, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज मतलब इससे पहले वो लोग जो भी बता रहे थे वो हाइड्रोजन के लिए बता रहे थे, अभी ये लोग किसके लिए बता रहे हैं? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बता रहे हैं, इसीलिए इन्होंने जेड इंक्लूड कर दिया। कितना है? -2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, ठीक है ओके। उसके बाद रेडियस कितना होता है, वापस वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर जेड इज द एटॉमिक नंबर है ना। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट कैन बी सीन दैट द एनर्जी डिक्रीजेस बिकम्स मोर नेगेटिव एंड रेडियस बिकम्स स्मॉलर एज द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेस, प्लीज नोट जेड, एज द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेस, जेड मीन्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा
वैसे वैसे एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, है ना, एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। और रेडियस देखो, जेड नीचे की तरफ है, तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी क्या होगा, कम होते जाएगा। और ऐसा है भी ना, ऐसा है भी, हम पीरियड टेबल में क्या पढ़ते हैं, चल रहा है ना पीरियड टेबल, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, जैसे यहाँ पर लिथियम है तो 3, 4, 5, 6 ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस क्या होता है, कम ही होता है ना, वैसे वैसे रेडियस क्या होते जा रहा है, कम ही होता है। हेंस प्रूफ है ना आपका, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, और जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगा, कम, एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। केवल जेड की बात कर, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बोस थियरी। क्वालिटेटिवली इट इज फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड और द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ जेड एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अगर आपको याद है तो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, जेड अपॉन एन था, उसके लिए नंबर नहीं लिख रहा हूँ, 2.18 वो सब नहीं लिख रहा हूँ, जेड अपॉन एन था। तो लॉजिक से बात है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, बट जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। और वही तो लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ जेड, है ना, एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ये दो पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर। No, sir. इसको पढ़ते जाना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चैप्टर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है फिजिक्स इसमें, बाकी कोई चैप्टर पूरे केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, प्लीज इस क्वेश्चन को आप सब लोग ट्राई करोगे, मैं रुको पहले इसका आंसर ये कर देता हूँ, चलो ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेट द रेडियस एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। चलो करो ट्राई, आंसर आया तो मुझे बता देना और मैसेज करना। चलो फाइंड करो, अच्छे से फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना, एग्जाम यही क्वेश्चन आते हैं, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। हालांकि आपकी बुक में उन्होंने वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया, बट फॉर्मूला याद रखना आप लोग। ओके, 26.45। ओके, दो आंसर आए, सौरभ। ओके नंदिनी, आपने क्वेश्चन मार्क दिया है, यूनिट तो लिखा ही नहीं आपने, यूनिट लिखा नहीं, कैसे ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, 26.45 क्या समझना, अभी बताओ आप ही।
सौरभ आपने भी वही किया है, एनर्जी यूनिट नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट. ओके ओके चलो कुछ आंसर्स आए देखते हैं. सिंपल था, पहले मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ यहीं पे पहले, फिर हम उसको ओके. क्या है एन रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529. अभी आपने जो भी यूज़ किया 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. एन स्क्वायर कौन से ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट एन स्क्वायर यानी वन है ना, और किसकी बात करें, हीलियम, तो हीलियम तो नीचे क्या आएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड तो टू आएगा, हीलियम का जेड कितना है, टू, और क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम. तो ये आंसर है, इसको जो भी आएगा आंसर इसको कट करके देख लो आप, जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 0.264 angstrom. ठीक है, अब इसको आप, आपने सब लोग ने अलग अलग तरीके से भेजा, किसी ने नैनोमीटर के फॉर्म में भेजा है, किसी ने पिकोमीटर के फॉर्म में भेजा है, तो मैं आपको अलग अलग आंसर बता भी देता हूँ है ना. इसका आंसर आ रहा है 0.2645 angstrom. इसको अगर किसी ने पिकोमीटर में लिखा है, किसी ने अगर पिकोमीटर में लिखा है तो आंसर ये आएगा 26.45 पिकोमीटर, पिकोमीटर में ये आएगा. अगर किसी ने इसको, ये आंसर आएगा पिकोमीटर में, नैनोमीटर में लिखा तो और कम हो जाएगा, नैनोमीटर में तो कितना हो जाएगा, नैनोमीटर में आपने क्या दिया, किसी ने नैनोमीटर में आंसर 264.5, नहीं नहीं नैनोमीटर में शायद रॉन्ग लिख दिया आपने. ठीक है, तो दो याद रखो, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, नैनोमीटर में मत कन्वर्ट करो, नैनोमीटर 10^-9. ठीक है, तो ये हो गया, इन्होंने किस फॉर्मेट में दिया है, इन्होंने दिया ही नहीं, सॉल्व ही नहीं किया इन्होंने, ऐसे ही छोड़ दिया, इन्होंने वही दिया 52.9 और 2 दिया. एनर्जी आपने निकाल दिया होगा मेरे हिसाब से -2.18 × 10^2 है ना. जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ऊपर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, उल्टा उल्टा मत कर देना, अगर उल्टा किया तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा. तो जेड स्क्वायर ऊपर है तो जेड तो हीलियम का कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1 ही आएगा. जो भी आपका आंसर आया राइट है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने राइट ही किया, और कुछ है ही नहीं, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं है. प्लीज इसको नैनोमीटर एंड ऑल में कन्वर्ट मत करो, बेटर रहेगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, या तो एंगस्ट्रॉम में करना है या पिकोमीटर में करना है. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आते हैं. आप में से किसी ने नीट का पेपर देखा क्या, किसी ने नीट का पेपर देखा है आप में से, अच्छा आपने देखा है, क्या आया बताओ, ऐसा कुछ तो है मैंने जो सिखाया हो और वो नीट में आया है. आप लोगों को सिखाया, सोचो अभी आप अभी सिर्फ जस्ट आए हो, आप लोगों को सिखाया था मैंने